ये जब बॉलीवुड में आए तो इन्हें नॉन एक्टर कहा गया। इनकी एक्टिंग और इनके एक्सप्रेशंस को सेट पर रखे सोफे से कंपेयर किया गया। बॉलीवुड में इन्होंने 16 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दी और इसके बाद बने ये इंडस्ट्री के नंबर वन एक्टर। कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार की सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे छुपे हैं बहुत सारे फेलियर्स। अक्षय कुमार आज बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर है, जहां इनके कंटेम्प्रेरी साल की एक फिल्में कर पाते हैं, वहीं अक्षय कुमार साल की 3 से 4 फिल्में निकालते हैं। अक्षय कुमार के साथ हर छोटी से बड़ी एक्ट्रेस ने काम किया है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतने लंबे करियर में अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी ने कभी भी साथ में काम नहीं किया है। तो आज कब क्यों और कैसे में हम आपको बताएंगे कि कब अक्षय को रानी के साथ फिल्म ऑफर हुई, क्यों रानी मुखर्जी ने अक्षय के साथ काम करने से मना कर दिया और कैसे आगे चलकर अक्षय ने रानी को सबक सिखाया। बात है ईयर 1999 की, जब तनुजा चंद्रा अपनी फिल्म संघर्ष पे काम कर रही थी। इस फिल्म में तनुजा चंद्रा ने कई एक्टर्स को अप्रोच किया, लेकिन सब ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि इस फिल्म में मेल लीड इतना दमदार नहीं था। फाइनली अक्षय ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद तनुजा चंद्रा ने इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए रानी को अप्रोच किया। रानी भी उन दिनों कुछ खास नहीं कर रही थी, उनकी फिल्म राजा की आएगी बारात फ्लॉप हो चुकी थी, बी ग्रेड फिल्मों में ही काम कर रही थी। लेकिन अचानक उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसी कारण रानी के भाव बढ़ गए और उन्होंने अक्षय कुमार, जो कि उस टाइम बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उनके साथ काम करने से मना कर दिया। अभी तो मिले हैं, दोस्ती तो दूर की बात है। इनफैक्ट कुछ कुछ होता है के हिट होने के बाद रानी ने आमिर और सलमान के साथ तो फिल्में साइन की, लेकिन अक्षय के साथ काम करने से तब रानी ने मना कर दिया था। इसके बाद ईयर 2002 में डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने अक्षय कुमार को साइन किया फिल्म आवारा पागल दीवाने के लिए। सेम फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के लिए विक्रम भट्ट ने रानी को अप्रोच किया। रानी ने एक बार फिर से मना कर दिया क्योंकि इस बार भी वो बड़े एक्टर्स के साथ बड़ी बजट की फिल्म कर रही थी, वो भी एज अ सोलो एक्ट्रेस। रानी मुखर्जी उन दिनों साथिया और चलते चलते फिल्म में काम कर रही थी, इसी कारण उन्होंने अक्षय के साथ ये मल्टी स्टारर फिल्म करने से एक बार फिर से मना कर दिया। फिर आया साल 2007, तब रानी मुखर्जी की फिल्में तारा रमपम, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, लागत चुनरी में दाग, ये सारी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप रही। रानी मुखर्जी करियर के एक टफ दौर से गुजर रही थी। वहीं बात करें अक्षय कुमार की, तो उस वक्त वो अपने करियर के टॉप टाइम पर थे क्योंकि उनकी फिल्में वेलकम, नमस्ते लंदन, हे बेबी, भागम भाग सब सुपर हिट हुई थी। तभी रानी मुखर्जी, जिनके यशराज से अच्छे रिलेशंस थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म करना चाहती है क्योंकि वो मानती है कि अक्षय कुमार की वजह से ही प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और विद्या बालन जैसी एक्ट्रेसेस का करियर स्टैब्लिश हुआ है। बस फिर क्या था, यशराज ने अक्षय कुमार को अपनी दो फिल्मों के लिए ऑफर दे दी। एक फिल्म थी टशन करीना कपूर के साथ, जिसके लिए अक्षय ने हाँ कर दिया, और दूसरी फिल्म थी रानी मुखर्जी के साथ, लेकिन अक्षय ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। फाइनली इस फिल्म में शाहिद कपूर को लिया गया और ये फिल्म थी दिल बोले हडिप्पा। हालांकि ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही थी। तो इस तरह से अक्षय कुमार ने रानी मुखर्जी से अपना बदला निकाला। जब अक्षय को जरूरत थी तब रानी ने सपोर्ट नहीं किया, और जब रानी को सपोर्ट थी तो अक्षय ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। हालांकि अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना और रानी मुखर्जी में अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। अक्षय की वाइफ ट्विंकल ने ही रानी के घर का इंटीरियर डेकोरेशन किया है। वेल, वी होप कि ये दोनों एक्टर्स अपनी पुरानी कड़वाहट को भुलाकर एक अच्छी फिल्म में हमें दिखाई दे। कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए, लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।